बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं रेडियोमेट्रिक एनालिसिस। रेडियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना, ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करके इनडायरेक्टली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को डिटरमिन किया जाए, ऐसी एनालिटिकल टेक्निक को रेडियोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। एनालिटिकल टेक्निक इन विच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज यूज्ड इनडायरेक्टली टू डिटरमिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियोमेट्रिक एनालिसिस। रेडियोमेट्रिक एनालिसिस की बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टूडेंट, व्हाट इज रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन? रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच रेडियोएक्टिविटी ऑफ एनालिट और टाइट्रेंट इज यूज टू लोकेट द एंड पॉइंट। ऐसी टाइट्रेशन जिसमें एनालिट या टाइट्रेंट की रेडियो एक्टिविटी को यूज करके एंड पॉइंट डिटेक्ट किया जाए, एंड पॉइंट मालूम किया जाए, ऐसी टाइट्रेशन को हम रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखना, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट यह है, द रिक्वायरमेंट विच इज बेसिक फॉर रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज दैट कि रेडियोएक्टिव कंपोनेंट मस्ट बी इनएक्टिव इन सॉलिड और प्रेसिपिटेशन फॉर्म एंड एक्टिव इन सॉल्यूशन फॉर्म। इस टाइट्रेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो रेडियोएक्टिव कंपोनेंट हो वो जब सॉल्यूशन फॉर्म में हो, जब आयन फॉर्म में हो तो वो रेडियोएक्टिव हो, लेकिन जब वो आयन किसी दूसरे रिएजेंट के साथ, किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर सॉलिड बनाए या प्रेसिपिटेट बनाए तो वो क्या हो जाए, वो रेडियोएक्टिव कंपोनेंट इनएक्टिव हो जाए। ये बेसिक प्रिंसिपल है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन का। स्टूडेंट, याद रखना, एंड पॉइंट कैसे डिटरमिन किया जाता है? रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट लोकेट किया जाता है फ्रॉम टाइट्रेशन कर्व। इन द रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पॉइंट इज लोकेटेड फ्रॉम टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व क्या होता है स्टूडेंट? टाइट्रेशन कर्व इस टाइट्रेशन में होती है एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के दरमियान जो ग्राफ होता है कि हमारे पास टाइट्रेशन कर्व क्या होगी, कहते हैं प्लॉट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इस कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व, उसको हम टाइट्रेशन कर्व कहेंगे। अब स्टूडेंट, उस टाइट्रेशन कर्व से हम क्या करेंगे, हम एंड पॉइंट मालूम करेंगे। तो ये एंड पॉइंट मालूम करने का तरीका है इस टाइट्रेशन के अंदर। स्टूडेंट, बात करते हैं टाइप ऑफ टाइट्रेशन, यानी टाइप ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो याद रखना स्टूडेंट, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आर मोस्ट इजीली परफॉर्म बाय रेडियोमेट्रिक मेथड, क्योंकि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सप्रेशन अक्कर होती है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, यानी दो लिक्विड मिलकर एक सॉलिड बनता जाता है, कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मोस्ट ऑफनली परफॉर्म बाय रेडियोमेट्रिक मेथड बिकॉज ए सप्रेशन अक्कर ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन। कंप्लेक्सोमेट्रिक एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन कैन आल्सो बी परफॉर्म बाय यूजिंग रेडियोमेट्रिक मेथड। कंप्लेक्सेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन भी इस मेथड से परफॉर्म की जा सकती हैं, बट दीज आर लेस कॉमन। ये क्या होती हैं? लेस कॉमन होती हैं। स्टूडेंट, याद रखना, रेडियो एक्टिव कंपाउंड को यूज किया जाता है टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हम ब्यूरोड में ले सकते हैं। रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच इज टेकन इन द ब्यूरोट एंड वाइस वर्सा,
वाइस वर्सा का क्या मतलब है, अगर हमें रेडियोएक्टिव कंपोनेंट डिटरमिन करना हो नॉन एक्टिव स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो फिर हम नॉन एक्टिव कंपाउंड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाकर उसको पीरियड में ले लेंगे और जो रेडियोएक्टिव सैंपल है वो हमारे पास क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क में होगा। तो हम दो एग्जांपल इस केस में स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे। एक में हम रेडियोएक्टिव कंपोनेंट को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, एक में हम नॉन रेडियोएक्टिव कंपोनेंट को एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। तो दो एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, डू आस्क एनी साइड ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप, याद रखना, क्योंकि व्हाट्सएप दिन में हजारों के हिसाब से स्टूडेंट मैसेज करते हैं तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं उसको पिक करूं। आपने बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको क्या होते जाएं, मिलते रहें। तो स्टूडेंट पहली एग्जांपल पे बात करता हूं। स्टूडेंट पहली एग्जांपल है डिटरमिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन। हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन है, हम उसको डिटरमिन करना चाहते हैं, हमें पता नहीं है क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है। हम क्या करेंगे, हम क्लोराइड आयन को कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम रेडियोएक्टिव सिल्वर आयन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। रेडियोएक्टिव सिल्वर आयन क्या होता है, सिल्वर 110 होता है। रेडियोएक्टिव सिल्वर आयन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसको हम कहां पे ले लेंगे, जिसको हम ब्यूरेट के अंदर ले लेंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, शुरू में हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन इनएक्टिव फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्यूरेट से ऐड करेंगे सिल्वर आयन। जब सिल्वर आयन ब्यूरेट से कॉनिकल फ्लास्क में आएंगे तो ये सिल्वर आयन क्या करेंगे, ये सिल्वर आयन रिएक्शन करेंगे क्लोराइड आयन के साथ सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्रासिपिटेट। तो सिल्वर क्लोराइड जो प्रासिपिटेट बनेगा, प्रासिपिटेट में सिल्वर आयन इनएक्टिव होंगे, कोई रेडियोएक्टिविटी शो नहीं करेंगे। अब क्या होगा, जब हम रेडियोएक्टिविटी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंड के साथ उसका ग्राफ बनाएंगे तो शुरू में क्या होगा स्टूडेंट, शुरू में हमारे पास ये एक्टिविटी है, ये वॉल्यूम है, तो शुरू में हमारे पास कोई उसकी एक्टिविटी नहीं आएगी। अब हम और सिल्वर आयन डालेंगे, सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड प्रासिपिटेट बनाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं आएगी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। जब स्टूडेंट क्या होगा, जब इतने सिल्वर आयन डालें कि सारे क्लोराइड आयन खत्म हो जाएं, जब सारे के सारे क्लोराइड आयन खत्म होंगे उसके बाद जो सिल्वर आयन आएगा, अब ये सिल्वर आयन सॉल्यूशन में रहेगा, अब इस सिल्वर आयन को सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई क्लोराइड आयन नहीं है। जब ये सिल्वर आयन सॉल्यूशन में रहेगा तो ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, तो वो एक्टिविटी मॉनिटर करेंगे, यानी सिल्वर आयन का वॉल्यूम डालते जाएंगे कोई एक्टिविटी नहीं आएगी, और डालते जाएंगे कोई एक्टिविटी नहीं आएगी। किस वक्त तक ये एक्टिविटी नहीं आएगी, जब तक क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। जब सारे क्लोराइड आयन खत्म हो जाएंगे, अब जो सिल्वर आयन आएगा वो सिल्वर आयन क्या करेगा, वो सिल्वर आयन हमारे पास एक्टिविटी शो करेगा, और सिल्वर आयन डालेंगे तो एक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी, और डालेंगे तो और ज्यादा होती जाएगी, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक जगह ऐसी आएगी यहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो हमारा बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट, वो इन दोनों लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, वो पॉइंट हमारा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा, वो हमारा इक्वेलेंस पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट याद रखना, अब हमें क्या किस बात का पता चल गया है, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हमें पता थी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम हमें किससे पता चल गया, ब्यूरेट से कितना यूज हुआ। अब स्टूडेंट जिस पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे आके हमारे पास एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उस पॉइंट, वो पॉइंट एंड पॉइंट होगा, ये वॉल्यूम था सिल्वर आयन का। तो सिल्वर आयन का वॉल्यूम ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं, सिल्वर आयन का हमें वॉल्यूम पता हो गया, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पता थी, क्लोराइड आयन जो कॉनिकल फ्लास्क में उसका वॉल्यूम हमने मेजर करके डाला था, तो हम क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला
एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टाइट्रेशन करवाएगी उस केस में जब रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को हम टाइट्रेंट लेंगे। शुरू में एक्टिविटी नहीं होगी, शुरू में एक्टिविटी जीरो होगी, जब तक एंड पॉइंट नहीं आता, इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता, उस वक्त तक भी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में एक्टिविटी शो नहीं करेगा। जब सारे क्लोराइड आयन खत्म हो जाएंगे फिर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन एक्टिविटी शो करेंगे, तो हमारे पास ये जो लाइन आएगी, पहले कोई एक्टिविटी नहीं आएगी, नहीं आएगी, जब एक्टिविटी स्टार्ट हुई इसका मतलब है कि अब सेलुलर आयन फ्री सॉल्यूशन में मौजूद हैं, अब उनको कंज्यूम करने के लिए कोई क्लोराइड आयन मौजूद नहीं है, तो यहां से हमें एंड पॉइंट का पता चल जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी एक एग्जाम्पल। अब दूसरी एग्जाम्पल पर बात करता हूं जिसमें मेरे पास क्या होगा, जिसमें मेरे पास रेडियो एक्टिव एनालिट होगा और मेरे पास नॉन रेडियो एक्टिव क्या होगा, टाइट्रेंट होगा। लेट मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर है रेडियो एक्टिव कैल्शियम आयन। अब रेडियो एक्टिव कैल्शियम आयन है, रेडियो एक्टिव कैल्शियम आयन सॉल्यूशन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियो एक्टिव कैल्शियम आयन है सॉल्यूशन के अंदर, यहां पे कैल्शियम आयन रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम इसको डिटरमिन करना चाहते हैं विद फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम ब्यूरेट के अंदर ले लेंगे, स्टूडेंट याद रखना, फ्लोराइड आयन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम ब्यूरेट के अंदर ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट ये टाइट्रेशन भी हम इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, या अगर हमें पता है किसकी कंसंट्रेशन का पता है, अगर हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कैल्शियम आयन का, तो हम रेडियो एक्टिव कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हमें पता है, इसको यूज करके हम इनएक्टिव फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन जब रिएक्शन करेंगे तो इनका रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम आयन रिएक्शन करेगा टू फ्लोराइड आयन के साथ, तो मेरे पास बनेगा कैल्शियम फ्लोराइड। अब स्टूडेंट क्या है, हमने ये दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को यूज करके इनएक्टिव की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं रेडियोमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को एज ए टाई ट्रेंड ले रहा हूं। तो कैल्शियम आयन मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क में पड़े हुए हैं, मैं इसकी रेडियो एक्टिविटी फाइंड करूंगा, इसकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, जब फ्लोराइड आयन को कैल्शियम आयन में डालूंगा तो फ्लोराइड आयन कैल्शियम आयन से मिलकर कैल्शियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाएंगे, इस तरह कैल्शियम आयन की मकदार कम हो जाएगी। जब कैल्शियम आयन की मकदार कम होगी तो एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट में और फ्लोराइड आयन डालूंगा और कैल्शियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम जो रेडियोएक्टिव फॉर्म है उसकी मकदार कम होती जाएगी, क्योंकि कैल्शियम आयन कन्वर्ट होता जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट के अंदर, प्रेसिपिटेट फॉर्म में ये रेडियोएक्टिव नहीं हो रहा। अब मेरे पास जू में फ्लोराइड आयन डालता जाऊंगा, एक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब स्टूडेंट जब सारे का सारा कैल्शियम आयन कंज्यूम हो जाएगा, अब कोई कैल्शियम आयन नहीं रहेगा, उस वक्त जब आखिरी कैल्शियम आयन कंज्यूम हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड आयन बन जाएगा, उस वक्त हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर कोई एक्टिव फॉर्म ही नहीं होगी, एक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी। अब उसके बाद हम पहले एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा फ्लोराइड आयन डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फ्लोराइड आयन थोड़े थोड़े कैल्शियम आयन को कंज्यूम कर रहा है, सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम आयन की मकदार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, इसलिए एक्टिविटी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है विद द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। जब सारे कैल्शियम आयन कंज्यूम हो जाएंगे उसके बाद फ्लोराइड आयन डालने से एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला वॉल्यूम एक्वेलेंस वॉल्यूम होगा, उस पॉइंट पे सारे के सारे कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। अब स्टूडेंट अगर हमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पता थी, वॉल्यूम उसका हमने खुद मेजर करके यहां पे डाला था, फ्लोराइड आयन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ एंड पॉइंट पे, वो हमें टाइट्रेशन कर्व से पता चल जाएगा। तो हमारे पास फ्लोराइड आयन का वॉल्यूम भी पता हो गया है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन वॉल्यूम दोनों पता थी, तो हम फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला या यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक फार्मूला एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू। चूंकि हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट उस वक्त होता है
जब मिली इक्वेलेंट ऑफ टाई ट्रेंड बराबर हो जाए मिली इक्वेलेंट ऑफ टाई ट्रेंड के। मिली इक्वेलेंट क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एन एमएल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसकी मैंने आपको दो एग्जांपलें कोट कर दी। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट, किस पे बात करूंगा? एडवांटेजेस ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड ड्रॉबैक ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टूडेंट बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? तो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। नंबर वन, दैट इज रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन गेव शार्प एंड एक्यूरेट एंड पॉइंट। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन शार्प और एक्यूरेट एंड पॉइंट देती है, चूंकि इसमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा वॉल्यूम यूज होने के चांसेस नहीं होते, चूंकि हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से एंड पॉइंट मालूम करते हैं बाय प्लॉटिंग रेडियो एक्टिविटी वर्सेज वॉल्यूम ऑफ टाई ट्रेंड। ये पहला एडवांटेज है स्टूडेंट। दूसरा एडवांटेज, दैट इज कंडीशन, कि दिस टाइट्रेशन कैन बी डन इन एनी कंडीशन। एंड टाइट्रेशन को किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है। दिस टाइट्रेशन कैन बी डन इन हेट्रोजीनियस कलर्ड टर्बट कोरेसिव एंड नॉन एक्स सॉल्वेंट एज वेल, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस कंडीशन। यानी इन टाइट्रेशन को होने के लिए सॉल्यूशन क्लियर होना जरूरी नहीं है, कलरलेस होना जरूरी नहीं है, चूंकि हमने एंड पॉइंट इंडिकेटर से फाइंड नहीं करना होता। हमारे पास कोरेसिव सॉल्यूशन हो, हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो, हम हर कंडीशन में इन टाइट्रेशन को कर सकते हैं। यानी इन टाइट्रेशन को परफॉर्म करने का एरिया ब्रॉडर है एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइट्रेशन। दैट इज आर सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज स्टूडेंट, मैस एंड प्योरिटी। इस टाइट्रेशन में हमें वेट नहीं करना होता, कि वैंग इज नॉट नीडेड एंड केमिकल प्योरिटी इज आल्सो ऑफ नो कंसिडरेशन। इसमें हमें केमिकल प्योरिटी या हमें एट द एंड जो प्रेसिपिटेट होता है उसका मैस नहीं करना होता, हमने एक्टिविटी से मैस फाइंड करना होता है। हमने एक्टिविटी से एंड पॉइंट फाइंड करके कैलकुलेशन से हमने एनालाइट का मैस फाइंड करना होता है। जो प्रेसिपिटेट बनता है आमतौर पर जो ग्रेविमीटर एनालिसिस होता है उसमें प्रेसिपिटेट का मैस किया जाता है। तो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में देयर इज नो नीड ऑफ वैंग एंड आल्सो प्योरिटी की इतनी बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं होती, चूंकि मैट्रिक्स एक्टिविटी को इतना अफेक्ट नहीं कर सकता। मैट्रिक्स नॉन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सैंपल होते हैं स्टूडेंट। और हमारे पास इसका जो एडवांटेज है कि इस मैथड इज क्वाइट सेंसिटिव, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनालिट कैन बी डिटर्मन बाय रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। 1 मिलीग्राम तक एनालिट हम इस मैथड से डिटर्मन कर सकते हैं। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टूडेंट याद रखिएगा, वी आर टूवर्ड द एंड ऑफ आर सिलेबस। हम अपने सिलेबस के एंड की तरफ हैं। आपको मैं अपनी वीडियो के साथ साथ जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट हैं मैं उनसे मुखातब हूँ कि मैं आपको जो मटेरियल रीडिंग के लिए देता हूँ ताकि आपकी हैबिट डेवलप हो खुद चीज़ें पढ़ के अंडरस्टैंड करने की। हमारी वीक में 2 क्लासें होती हैं और 1 दिन में आपको रीडिंग मटेरियल देता हूं, तो उसको आप अच्छा करके पढ़ा करें। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं। स्टूडेंट पहला डिसएडवांटेज कि शार्प एंड पॉइंट के लिए कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है? कहते हैं शार्प एंड पॉइंट सिर्फ उस वक्त आएगा जब प्रेसिपिटेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो। कि इन दिस टाइट्रेशन जो प्रेसिपिटेट बने उसके केएसपी की वैल्यू लो होनी चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा? शार्प एंड पॉइंट आएगा। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट केएसपी की वैल्यू क्या हो, हाई होगी, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम यूज हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमारे पास जो कर्व का फ्लैटन पोर्शन बहुत लंबा होगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? हमारे पास उस तरह का शार्प एंड पॉइंट नहीं आएगा। शार्प एंड पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है? कि जो प्रेसिपिटेट बने उसके केएसपी की वैल्यू लो होनी चाहिए या उसका एक्सट्रक्शन कोफिशियंट जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स कि ये टाइट्रेशन उस केस में एप्लीकेबल होती हैं जहां पे प्रेसिपिटेट जो बने उसको इजीली सेपरेट किया जा सके। दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक स्टूडेंट, चूंकि इस टाइट्रेशन
में रेडियो एक्टिव एनालिट या रेडियो एक्टिव टाइट्रेंड या रेडियो एक्टिव टाइट्रेंड यूज होता है, जिससे रेडियो एक्टिविटी होती है, जिससे रेडिएशन एमिट होती हैं, एंड इट कैन काज हेल्थ हैजर्ड्स। इससे हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं, हेल्थ हैजर्ड इस इफेक्ट ये काज कर सकती है, इसलिए ये टाइट्रेशन केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ द सेकेंड ड्रॉबैक। अब स्टूडेंट मैं बात करूँगा कि हमारे पास रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती हैं। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की और एग्जाम्पल हो सकती है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमेट आयन बाय रेडियोएक्टिव सिल्वर आयन। रेडियोएक्टिव सिल्वर आयन का एटॉमिक मास 110 होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक आयन एंड मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन एंड मैग्नीशियम आयन बाय रेडियोएक्टिव फास्फेट। फास्फेट में जो रेडियोएक्टिव फास्फेट होगा उसमें फास्फोरस 31 वाली नहीं होगी, 32 वाली होगी। इस तरह डिटर्मिनेशन ऑफ सिल्वर आयन बाय रेडियोएक्टिव ब्रोमाइड आयन। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेशन अबाउट रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। मैंने आपको उसका जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया, उसकी एग्जांपलें एक्सप्लेन कर दी, ड्रॉबैक पे बात कर ली और उसके एडवांटेज पे बात कर ली। इसको पढ़िएगा, इसका आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो आपने पढ़ के उसकी असाइनमेंट आपने लिखनी होगी। आज के लिए सेशन इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।